क्या फर्स्ट पॉइंट था? अभी रुको, क्लास के अंदर अभी बहुत सारे बच्चे कहना नहीं मानते। एक तो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, जो क्लास में प्रेजेंट है, मेरी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट कौन कौन है और मेंटली भी प्रेजेंट कौन कौन है। तो ये है बेटा जानवी, दिशा, दिशा ने कैमरा ऑन नहीं किया है, सुनील, प्रणाली, देशमुख भी ज्वाइन है, दीपक, दीप्ति, निकिता, अक्षय, करीना, ये बच्चे क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है, बाकी अब्सेंट है। अभी नाम बताऊं कौन कौन है? चलो, तो आप लोग नाम सुनना बहुत चाहते हो तो सुन लो। आयुष, आयुष बेटा, वेयर इज योर कैमरा? आयुष अपना कैमरा ऑन करें जल्दी बेटा, रिप्लाई करें। उसके बाद दीप्ति, वेयर इज दीप्ति? अच्छा सॉरी, दीप्ति इज प्रेजेंट। दिशा, दिशा बेटा कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। गौरव, हृदय श्री, ये बच्चे बेटा कैमरा ने ऑन, कैमरा अगर आपका, अगर बेटा आपका कैमरा ऑन है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ अभी, लार्ज गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, अभी दिख जाएंगे बच्चे। हाँ, तो अब दिख रहे हैं सभी बच्चे, दीपक, गौरव, जानवी, करीना, आयुष भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। बेटा आप लोग जैसे ही क्लास में ज्वाइन होते हो तभी अपने कैमरे को ऑन रखेंगे, ठीक है। अटेंडेंस मुझे पहले लेनी है कि बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, कितने अब्सेंट हैं। कल की क्लास में कोई बच्चा अब्सेंट था आप में से? बताइए जरा। क्लास में बेटा रेगुलर रहना है सभी बच्चों को, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं बेटा, रिवीजन कितना कराएंगे, चैप्टर टू बहुत बड़ा, अभी देखो कितने दिन से चैप्टर टू का रिवीजन चल रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो न्यू स्टूडेंट के लिए मैंने थोड़ा सा और कोशिश करी कि ठीक है, बाद में फिर दोबारा बेटा स्टार्टिंग करें, लेकिन हम बार बार नहीं रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, वो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। कभी कभार की बात अलग है, इट शुड नॉट बी ऑलवेज, ठीक है। अभी भी बच्चे कम है स्क्रीन के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी बेटा 3 स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन नहीं किया है। तो जल्दी जल्दी अपने कैमरा ऑन रखो, ऑफ मत क्या करो। चलो तो बेटा नोट्स में से देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा बोस एटॉमिक मॉडल का क्या था दीपक, कि क्या बोला था बोर ने, एक एटम के अंदर सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होगा साइज में, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। हैवी डेंसिटी होगी उसकी बेटा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और इसके साथ साथ उस पर चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। आराम से, कोई बात नहीं, नोट सभी अपने ओपन कर ले अपने सामने, बोर्ड एटॉमिक मॉडल निकाल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक बार नोट्स आपके सामने रहेंगे तो आपको आसानी से दिखता रहेगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो तो बेटा पहला पॉइंट ये था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, मैंने बताया हैवी है, साइज बहुत छोटा है, चार्ज बहुत ज्यादा है इस पर, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, दे विल रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है, जस्ट लाइक प्लैनेट्स, जैसे उन्होंने कहा था, लेकिन यहां पे है, ठीक है। इनको बेटा इन्होंने क्या कहा, बोर सेड आउट ऑफ द, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सेकंड पॉइंट पर ध्यान दें, उस ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट होती है, ठीक है। जिस ऑर्बिट या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, द एनर्जी ऑफ दैट शेल विल बी डेफिनेट, ठीक है अक्षय। And that energy was given by a formula known as Bohr's formula. तो बेटा उस formula का नाम था Bohr's formula. तो Bohr formula क्या था, एक बार फिर बच्चों revise करेंगे। अगर हमें energy निकालनी है किसी shell की, किसी electron की energy निकालनी है किसी shell में, तो उसके लिए Bohr ने एक formula दिया था। क्या था वो बताएं जल्दी, कौन बता सकते हैं जल्दी से? Bohr's formula. इसको Bohr's formula भी बोलते हैं। क्या था बेटा यहाँ पर सबसे कॉमन जो माइनस टू पाई फॉर्मूला स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बेटा आई थिंक सबको याद हो गया होगा अब तो, ये यस सर, जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाएगा, जितनी बार मैं पूछूंगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो बेटा, एक बार रिवाइज करना जरूरी है घर पर, मेरी क्लास लेने के बाद मैं आपको कहता हूं बेटा, एक बार 15-20 मिनट्स का रिवीजन जरूरी है। जो बच्चा इतना करेगा वो कुछ भी वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता, ठीक है।
किसी सब्जेक्ट में आप बोलते हो कि सर मैं तो केमिस्ट्री में बहुत वीक हूँ, मैं तो इसमें फिजिक्स में बहुत वीक हूँ, वीक कुछ नहीं होता, जो पढ़ाई करता है, जो समझने, देखो जिस चीज में बेटा जो चीज मुश्किल लगती है अगर उसमें हम घुस जाते हैं तो फिर वो आसान होती है, और अगर उससे बचते हैं, है ना अक्षय, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको बार बार पढ़ते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको कहते हैं भाई ये तो अगर टीचर अच्छा भी है तो चलो मुझे तो पढ़ना ही नहीं है इसको, तो ऐसे नफरत मत करो, टीचर से नफरत कर लो, सब्जेक्ट से नफरत मत करो, ठीक है। सब्जेक्ट से अगर नफरत कर ली तो बेटा फिर तो हो गया, फिर तो पीसीएम में से आपका एक सब्जेक्ट चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, कोई भी समस्या उसका बेटा सॉल्यूशन जरूर है। चलो, तो बोर एटॉमिक मॉडल में बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2π² ME4/N²h², ठीक है। इसके अंदर बेटा फिर मैंने आपको कहा था इन कुछ बहुत सारे कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू को बेटा पुट कर सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसकी वैल्यू होगी 9.1 है ना टू 10^-34। अच्छा बेटा आप लोगों में से किस किस ने नोट्स नहीं बनाए, एक बार मुझे थोड़ी सी बात करनी है। प्रणाली देशमुख, आप लोग आपने बेटा नोट्स बना लिए हैं चैप्टर टू के नोट्स बनाए हैं, स्टार्टिंग से तो बनाए होंगे, पार्ट वन पार्ट टू नहीं बना लिए, ठीक है। और एक दूसरी प्रणाली जो है बेटा आप भी बोलिए, तीनों पार्ट के कर लिए। अच्छा आप लोग जो बेटा नोट्स, सुनो नोट्स बनाते हो, सुनो मेरी बात, जो पहले के बच्चे हैं उनको मैं जानता हूँ, जिन बच्चों ने सबमिट नहीं करे हैं, सुनो ध्यान से सुनना, मंडे तक आपको बेटा थर्ड पार्ट तक के नोट्स कंप्लीट करने हैं, ये आपका टारगेट है, ठीक है। अब इसमें किस किस के लिए रियायत है, किसके लिए थोड़ा सा कंसेशन है, वो जैसे मान लो जानवी के लिए है, ठीक है, या और कोई बच्चा अगर नया है तो मुझे बता दो, हृदयश्री के लिए, हृदयश्री को भी आई थिंक मिल गए थे नोट्स, तो बेटा आप कहां से करने। अच्छा सबमिट व्हाट्सएप पे बेटा इमेज कर दो, अभी व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दो, अगर ज्यादा पेजेस है तो स्टार्टिंग के और लास्ट के पेज कर दो, जहां तक आपने करे मैं देख लूंगा, जहां तक कंप्लीट करे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तक के नोट्स मुझे मंडे तक सभी बच्चों की सबमिट चाहिए बेटा। मैं जो है देखो, मैं बच्चों को ज्यादा बार बार कहने की मेरे को आदत नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात बताता हूँ, मेरा नेचर एक सिंपल सा है कि मैं देखता रहता हूँ, क्वाइटली मॉनिटर करता हूँ हर बच्चे को, मुझे दिख रहा है कि दीपक कैसे काम कर रहा है, अक्षय कैसे काम कर रहा है, सुनील कैसे कर रहा है, प्रणाली कैसे कर रही है, सबका पता है, जितने स्टूडेंट यहाँ पर क्लास के अंदर है सबका मुझे पता है कि कौन मुझे होमवर्क करता है कौन नहीं कहता है, किसी को मैं कहता हूँ किसी को मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मैं वेट कर रहा हूँ कब उसकी अंतरात्मा की आवाज जग जाए, ठीक है। तो कभी ना कभी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज जगती है सुनील, तो इसीलिए बेटा मैं वेट करता रहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे सर तो कुछ बोला ही नहीं, सर तो कुछ कह ही नहीं रहे, तो कह इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपनी अंतरात्मा को कब उठाओगे, ठीक है आयुष। तो कभी ना कभी अंतरात्मा की आवाज आएगी और बोलेगी यस कि यस बेटा कर लो काम, केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो, अब बड़े बच्चे हो गए हो, है ना, समझदार हो गए हो। तो समझदार का मतलब क्या होता है, जो बिना कहे, बिना टीचर के कहे, बिना टीचर की डांट के और फटाफट अच्छे से काम करके दिखाए, वही एक समझदारी का लक्षण है, ठीक है। तो आयुष आपने नोट्स बेटा कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं? नो सर नहीं करें, नोट्स मिल गए थे ना आपको, तो आप पहले से क्लास ले रहे हो बेटा, हाँ क्या प्रॉब्लम आ गई थी बताएं जरा। चलो अब मंडे को कर लेना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। मैं बेटा फिर भी मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अब सीरियस हो जाओ, अब भी सीरियस हो जाओगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो बेटा हमने ऐसे हर टीचर को हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है, ठीक है, नुकसान होते हुए देखा है, उनका टाइम वेस्ट होते हुए देखा है, स्टार्टिंग में जितनी चीजें आसान लग रही हैं उतनी नहीं है। अगर निकिता आगे जैसे जैसे चैप्टर बेटा देखेंगे, जिसको 11th क्लास का कंसेप्ट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा 2 साल आपके बर्बाद होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आगे का भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अगर पीसीएम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, साइंस लेने के बाद अगर आपको कहीं पर भी एक छोटी सी कमी रह गई ना, वो छोटी सी कमी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो इसीलिए बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सीरियस हो जाए, नोट्स बनाइए,
और जहां जिसको जो डाउट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है 15 मिनट का टाइम आपके लिए डाउट का है, ठीक है गौरव? तो डाउट बेटा अपने आपको पूछने हैं। गौरव आपने भी कॉपी नहीं बनाई है, नोटबुक नहीं बनाई ना? बना ली सर, बना लिए नोट्स, कंप्लीट हो गए नोट्स। कहां कहां सबमिट किए आपने? हां सर व्हाट्सएप भेज देना। चलो मुझे अब दिखाना, मंडे को दिखाना, मंडे को तीनों पार्ट के नोट्स मुझे चाहिए सबके, ठीक है? बस दो बच्चों को मैंने बोला है, जो न्यू स्टूडेंट है हृदयश्री, और दूसरा जो हाँ यहाँ पे जानवी को बोला है। इसके अलावा बेटा सभी बच्चों के मुझे नोट्स चाहिए, अक्षय, आयुष, दीपक, सभी बेटा अपने नोट्स थर्ड पार्ट तक के कंप्लीट करेंगे, जो लास्ट पार्ट के नोट्स है। हाँ बेटा सर फिर से सेंड करेंगे आपको? नहीं नहीं पिछले नहीं, पिछले कर दिए आपने, थर्ड पार्ट के कर देना, ठीक है? हमने थर्ड पार्ट के भी कर दिए थे, थर्ड पार्ट के भी कर दिए थे। चलो कोई बात नहीं, तो एक बार थर्ड पार्ट के दोबारा कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है? मुझे मेरे को पता है किसने करे किसने नहीं करे, मुझे पता है, लेकिन बेटा आप अपने अंतरात्मा से सोचो, जो काम कंप्लीट कर रहा है वो सबमिट जरूर करेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो ये कहेगा कि सर मैंने काम कंप्लीट कर रखा है लेकिन मैं सबमिट नहीं कर पाया या करना नहीं चाहता, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, है ना? इतनी मेहनत आपने काम कंप्लीट करने में कर ली, तो दो मिनट फोटो खींच के उसकी और लास्ट की साइड की कर दो, कोई जरूरी नहीं कि सारे नोट्स आपको सेंड करने, एक मेरे को पता चल जाए कि आज मैंने बच्चों ने ये नोट कंप्लीट कर लिया। तो मंडे को मुझे सभी बच्चों का, जो भी बचे हुए बच्चे हैं, और नए बच्चों को भी मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, वो कम से कम फर्स्ट सेकेंड तक तो कम्प्लीट कर ही लेंगे, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी बेटा कम्प्लीट करेंगे, और मुझे नोट्स के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, होमवर्क के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कभी भी, ऐसा बेटा आप लोग शुरू से ट्रेंड बना लो अपना, क्योंकि कोई बच्चा हाईलाइट होता है तो अच्छा नहीं लगता, एक ही बच्चे को अगर हम बोल रहे हैं बार बार तो, ठीक है? आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरा बेटा एक टेस्ट आपका होगा अक्षय, ये टेस्ट मैं अभी नहीं नेक्स्ट वीक में लूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उस वीक के अंदर आपका एक टेस्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर 2 में बेस्ड होगा। तो जितना आप अपने लोगों ने बेटा स्टार्टिंग से पढ़ा है, शुरुआत से लेकर और आखिर तक जहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे, जैसे बोस एटॉमिक मॉडल तक का जो है उसके ऊपर बेस्ड मैं टेस्ट लूंगा आपको, ठीक है? जो दो पार्ट के नोट्स है ना, फर्स्ट और सेकंड, यहां तक कंप्लीट करके इसमें से टेस्ट हो, ठीक है? तो पहले आप, हमारे पास डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नोट्स नहीं है क्योंकि हम सीबीएसई से, कौन से वाले, क्वांटम मैकेनिकल? तो बेटा मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया है कल, देखो आप। नहीं सर, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो आप सीबीएसई के बोर्ड के हो तो आपको क्या जरूरत है फिर, छोड़ो नोट्स तो, नोट्स तो सुनो, नोट्स तो ग्रुप में है ना आपके पास, आपके पास डाउनलोड है? यस सर। हाँ तो आप उनको पढ़ सकते हो बेटा, और लिखना चाहो तो लिख भी लो, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ी सी अगर रियायत मिल रही है तो उसका बेनिफिट उठाए, पढ़ने की मना थोड़ी है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन फिर यही है सिलेबस में जब आपके नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो, मेरा तो यही कहना है। नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो उतना, ठीक है? और बाकी बच्चों को तो करना ही है सबको, एमपी बोर्ड वालों को करना है, इसलिए तो सीबीएसई वालों को बस थोड़ा सा रिडक्शन है। सीबीएसई वालों को बेटा डिलीटी वाला सिलेबस भी मैंने डाल दिया था ग्रुप में, ठीक है? दोबारा फिर डाल दूंगा, नए स्टूडेंट को मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके बेटा 11th क्लास में देख लो, कौन से दो तीन चैप्टर ऐसे हैं, दो चैप्टर तो पूरे से हट गए, ठीक है? इसके अलावा थोड़े थोड़े पोर्शंस कम हुए हैं हर एक चैप्टर के अंदर से, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में से भी थोड़ा कम है, सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया है कौन सा है, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको बताऊंगा कि सीबीएसई में कौन कौन सी चीजें हट गई हैं, ठीक है? तो सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने बताया था बेटा स्टार्टिंग से अगर देखें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन ये सब हट चुका है, कैथोड रे कैनाल रेज क्या होती है ये भी नहीं है, ठीक है? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन है यहां तक नहीं है, इसके आगे का पोर्शन शुरू होगा, ठीक है? तो फर्स्ट जो मैंने नोट्स ग्रुप में डाले हुए हैं वो बेटा सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं, सिर्फ एमपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है? तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलो बेटा एक बार अपना रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसके सारी वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दीपक माइनस कितना आया था 21.8 ये बेटा एनर्जी का फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको इसमें कई सारी चीज बताई थी,
इस फॉर्मूले के अलावा बेटा ये तो एनर्जी आपको जूल में दे रखी है। अगर एनर्जी आपको बेटा जूल में नहीं दी है और यूनिट में भी दे सकते हैं या ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कन्वर्ट करो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू थी बेटा, 13.6 ना, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो बेटा ये थी बेटा, ठीक है दिशा, ठीक है ये बेटा देखो एक एक करके आप फॉर्मूले देखते जाओ सभी। ये फॉर्मूला बेटा आपको तब यूज करना है देखो सिंपली, जब क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एंड दिस शेल, है ना, फर्स्ट शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर, थर्ड के अंदर, शेल के अंदर एनर्जी आपको निकालनी है जूल पर एटम में बेटा। अगर जूल पर एटम में निकालनी है तो ये यूनिट यूज करेंगे, ठीक है फर्स्ट। सेकंड अगर आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी निकालो तो फिर आपको बेटा ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बताया था आपको कल, किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल में बेटा कैसे निकालते हैं, मेथड याद है आपको, सबको बताया था मैंने किलो जूल पर मोल, तो मैंने कहा था कि मोल से डिवाइड, हाँ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मोल के अंदर, सॉरी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और इसको जब बेटा हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये देखो -312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी बताई थी आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर होती है ये भी मत भूलना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कैसी यूनिट होती है एनर्जी की बताया था, बहुत ही छोटी यूनिट है एनर्जी की, एनर्जी की कई यूनिट हो सकती है, जूल होती है ऐसा यूनिट, कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी भी होती है, ठीक है यहां पर देख रहे हो किलो जूल में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ही यूनिट हमारी जूल में। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोलेंगे तो मैंने आपको बताया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है बेटा, और इसकी एनर्जी भी बहुत कम होती है निकिता, इसी वजह से बेटा एक छोटी यूनिट बनाई गई है एनर्जी की, और इस यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, कितनी वैल्यू थी इसमें एनर्जी की, मतलब क्या हो सकता है अक्षय, अगर मैं कहूं कि एनर्जी नेगेटिव है, जैसे अगर मैं, आप याद करो ना उसमें पहले आप पढ़ के आए हो कि वर्क नेगेटिव पॉजिटिव होता था, ऐसी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझो, अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहा हूं तो पॉजिटिव है, साइन का मतलब सिर्फ ये है कि कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको याद रखनी है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा होती है एनर्जी 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। अब ये फॉर्मूले बेटा ध्यान से देखें, ईएम की वैल्यू आपको मैंने बताई, ये सारे बेटा किससे आए हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपके कहां से आए बेटा, इस बोर्स फॉर्मूले से आए हैं, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, यहां पर आपने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, एच की वैल्यू को, ई की वैल्यू को, एम पाई ये सब पुट करके ये फॉर्मूला आया। उसके बाद बेटा फिर आपने जूल से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया इस फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट किया किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो ये आंसर है। फिर इसके बाद मैंने बेटा कहा था हर एक शेल की एक एनर्जी क्या हो गई, इस फॉर्मूले से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक शेल की एनर्जी एक डेफिनेट है, है ना, और हम हर एक शेल की एनर्जी को निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, जैसे एक एक करके सब शेल्स की एनर्जी को निकालते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी बेटा देखते हैं कैसे निकालेंगे, -312 अपॉन एन स्क्वायर की जगह बेटा 1 का स्क्वायर पुट करेंगे, कितना हो जाएगा -1312, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ई2 की वैल्यू निकाल सकते हो दूसरे शेल के लिए, और शेल की संख्या भी बताई थी, तो जानवी फर्स्ट शेल कौन सा होता है, जैसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें ये देखो ये कैटम है, तो न्यूक्लियस यहां पर बेटा
केशर कहां पर है? ये देखिए बताओ कहां पर है केशर? सबसे पास जो न्यूक्लियस के है उसको केशर बोलते हैं, याद आ रहे हैं? KLMN शेल्स पढ़े थे आपने, नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी थे ये KLMNO। जनरली चार शेल पढ़े थे लेकिन और भी ज्यादा होते हैं, अभी धीरे धीरे चैप्टर के अंदर आपको समझ में आएगा। तो बेटा के शेल जो है अक्षय, कौन सा के शेल होता है? न्यूक्लियस के सबसे पास वाला। यानी एन की वैल्यू क्या रखेंगे? अगर अपने को के शेल की एनर्जी निकालनी है तो बेटा क्या है, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये किस शेल की एनर्जी आई है? इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल। के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी अक्षय? -1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है सुनील, आ रहा है समझ में बेटा? समझ में आ रहा है? चलो अब इसी तरीके से सेकंड शेल की एनर्जी निकालते हैं, E2 की वैल्यू निकालते हैं। तो E2 की कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर बेटा, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं देखो, ठीक है? तो -1312 अपॉन बेटा क्या करेंगे, अब 1 का स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर की जगह क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर पुट कर दोगे, है ना? और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, नोट्स के अंदर लिखवाई हुई है, -328 डिवाइड करेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा 328 किलो जूल पर मोल। बोलो आ रहा है बेटा सबको समझ में? इस तरीके से निकाल सकते हो आप, E3 की वैल्यू भी निकाल पाएंगे निकिता, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे और आ जाएगा अपना आंसर -1312 अपॉन 3 का स्क्वायर पुट कर दो, कितना आएगा इसके थर्ड की वैल्यू कितनी है, -145.8 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से बेटा E4 भी निकाल लेता हूं और E5 भी निकाल लेता हूं। देखिए E4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसी तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड, अपनी वैल्यू आ जाएगी -82 किलो जूल पर मोल। फाइव का स्क्वायर करेंगे -52.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, बोलो ये सबको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करी है वैल्यू, है ना? अब बेटा हाँ, अब ध्यान देने की बात क्या है करीना, देखिए बेटा कि यहाँ पर जो आपको यहाँ वैल्यू निकली है एनर्जी की, इसमें आप ये देखो कि एनर्जी का ट्रेंड क्या है, मतलब फर्स्ट शेल की बेटा एनर्जी के शेल की थी -1312, फिर दूसरे शेल के लिए एन इक्वल टू 2 पुट किया आपने तो ये एनर्जी आ गई, फिर थर्ड के लिए हमारी ये आ गई, फिर फोर्थ के लिए और फिर फाइव के लिए। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है सुनील, एनर्जी बढ़ेगी या डिक्रीज कर रही है? जैसे के शेल से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ रहा है बताओ, इधर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? फर्स्ट शेल की एनर्जी है -312, माइनस है देखो ध्यान से, और उसके बाद अगले की बेटा -328, तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड जो है इसका बेटा, धीरे धीरे वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, एक्चुअल में एनर्जी बेटा इंक्रीज कर रही है अक्षय। अगर मैं फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल तक आ रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि वैल्यू धीरे धीरे बेटा बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव बड़ी नेगेटिव वैल्यू से धीरे धीरे कम नेगेटिव वैल्यू हो रही है ना, तो इंक्रीज कर रही है एक्चुअल में। तो जब बेटा वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि फर्स्ट शेल की एनर्जी बेटा कम है, सीधे सीधे बोलता हूं, फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकंड शेल की फर्स्ट शेल से भी ज्यादा है, थर्ड की सेकंड से ज्यादा है, फोर्थ की थर्ड से ज्यादा है, इस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है अपने को, है ना? तो इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों कि जो सबसे पास शेल है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है जिसको के शेल बोल रहे हैं, ठीक है आयुष, तो के शेल की एनर्जी जो है वो क्या है, मिनिमम है। सबसे कम एनर्जी किसकी है बताइए? के शेल की एनर्जी सबसे कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर बाहर बेटा जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आउट ऑफ मोस्ट शेल की तरफ आएंगे, आपने पढ़ा होगा ना नाइन्थ क्लास से पढ़ते हो आउट ऑफ मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते थे उनको,
है ना, भूल गए क्या, याद है? याद है। अच्छा नाइन्थ क्लास का जो पढ़ा था, कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, देखो बेटा एक चीज मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, जैसे कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज है बेटा, तो जो लर्निंग है ना हमारी बेटा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है दिशा कि आपने बेटा जो नाइन्थ में पढ़ा या फिफ्थ क्लास में पढ़ा उसका आज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, है ना दीपक? क्योंकि धीरे धीरे ही आप चीजें सीख पाए हो, अभी इलेवेंथ क्लास में आए हो तो बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हो, और उनका बेटा यूज होता है इसलिए आपको पहले पढ़ाया था। तो जैसे बैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर जो आपको उस वक्त रट्टा मारा था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि भाई उसी को वैलेंसी भी बोलते हैं, आई थिंक याद होगा आप लोगों को, है ना? तो आउटर मोस्ट के जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल जिसको बोलेंगे, सबसे बाहर वाला जो शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब आपको क्या पता चल रही है हृदयश्री, सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा ओब्वियसली जो सबसे बाहर वाला शेल है उसकी है, और सबसे जो सेंटर में है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है उस शेल की एनर्जी बहुत कम है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा जितना बाहर के शेल में होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है दीपक, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है, क्या था? अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। हाँ, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। तो यानी कि बेटा ऐसे बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे कम स्टेबल है, अगर आपकी बात पे गौर करें तो। ये इसका मतलब बेटा ये है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, सबसे कम स्टेबल होंगे, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। स्टेबिलिटी का मतलब यही तो है, स्टेबिलिटी का मतलब बेटा क्या है कि मैं किसी से रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं दुनियादारी को छोड़ दूंगा, किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, मैं घर पे बैठ जाऊंगा आराम से। तो ऐसा कब होता है, जब आपके पास एनर्जी नहीं होती, ठीक है सुनील, जब आपके पास बेटा एनर्जी नहीं होती, है ना? जब एनर्जी होती है तो हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी कोई एनर्जी होने के बाद भी अगर सोता रहे तो फिर वो बात अलग है, जो अब्सेंट है तो क्लास में तो वो बात होगी, ठीक है, वो फिर अलग ही एक्सेप्शन केस है। अदरवाइज तो यही नियम है नेचर का बेटा कि जब कभी आपके पास एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी आपकी कम होगी, ठीक है? तो बेटा ऐसे समझो कि आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार वहां पर पढ़ते थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा, सोडियम के केस में भी देखो, क्लोरीन के केस में देखो, किसी भी एलिमेंट के केस में बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते थे, वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम आउटर मोस्ट शेल से, याद करो। तो इससे आपको एक इससे बस मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने पहले पढ़ लिया उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? और बेटा अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है आयुष, क्योंकि उनकी एनर्जी पहले से बेटा बहुत कम है, वो स्टेबिलिटी की तरफ है। आखिरकार सभी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, है कि नहीं? अभी हम लोग, मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अभी से नहीं, लेकिन चाहते हैं ना कि कामयाब बनेंगे, ठीक है, अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे, फिर आगे फिर रिटायरमेंट होगा, फिर आर एस ए स्टेबल हो जाएंगे। फिर वो स्टेबिलिटी कब होती है, जब अपने को कुछ मेहनत ना करनी पड़े, एनर्जी ना रहे, मतलब की एनर्जी हो नहीं, ना एनर्जी होगी तो ना रिएक्टिविटी होगी, ठीक है? तो अभी तो बहुत कुछ मेहनत करनी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना अभी से भी, अभी भी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो वैसे ही बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल तभी होगा जब उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो सुनील, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है किसी शेल के अंदर से, मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो मैं किस इलेक्ट्रॉन को बेटा आसानी से निकाल सकता हूं दिशा, किस इलेक्ट्रॉन को बेटा आसानी से निकाल सकता हूं? एक ओ शेल के अंदर है, एक के शेल के अंदर है, सोच के बताओ किसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान होगा मेरे लिए? एनर्जी से क्या रिलेशन है इसका? आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि बेटा उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, वो मेरे साथ आ जाएगा आसानी से,
लेकिन के शेल का इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल है, ऐसे समझ लो जो स्टेबल है, जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है आप कितना भी उसको बोलते रहो भाई पैसे ले लो भाई पैसे ले लो, लोन ले लो, गवर्नमेंट कह रही है ना लोन ले लो लोन ले लो, अभी कोई लोन नहीं ले रहा दीपक, दीपक लोन नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट कह रही है लोन ले लो। पहली बार इंडिया में ऐसा देखा है कि सरकार पैसे बांटने के लिए उतावली है, कोई पैसा ही नहीं ले रहा मार्केट में, क्योंकि सबको पता है जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोई धंधा नहीं चलेगा, कोई बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए लोगों के मन में क्या है, गवर्नमेंट कह रही है यस बेटा एनर्जी ले लो एनर्जी ले लो, ठीक है, और वो पहले से वो कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए, हम तो स्टेबिलिटी अभी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है बेटा, रिस्क ज्यादा है दीपक, रिस्क ज्यादा का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कम है, रिस्क को स्टेबिलिटी के टर्म्स में देख सकते हैं, स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब आपको ये नहीं पता है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना पैसा वापस आएगा अपने, है ना। तो लोन लेके क्या करेंगे, जब आपको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि ले लिया फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है अपने को, है ना, ये मुद्रा लोन नहीं है, लोन तो आपको लेना पड़ेगा तो फिर चुकाना भी पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको मैं आपको एनर्जी के टर्म्स में बता रहा हूँ बेटा कि के शेल की एनर्जी मिनिमम है, ओ शेल की एनर्जी मैक्सिमम है। तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो स्टेबल होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद एक और चीज आपको बेटा यहाँ पर कंक्लूजन में बतानी है, आप लोग बेटा एक चीज और ध्यान देंगे, जब हम इन शेल्स की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, अगर कंजिक्यूटिव शेल्स की एनर्जी को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या वैल्यूज मिलेंगे, जैसे अगर सेकंड शेल की एनर्जी में से बेटा फर्स्ट शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, कितना डिफरेंस आएगा यहां पर देखेंगे जरा, अगर मैं इस शेल की एनर्जी में से इस एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है एनर्जी का, देखिए फर्स्ट शेल में से सेकंड को करेंगे 984 किलो जूल पर मोल, देखो बेटा इतना डिफरेंस है सेकंड में से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए आपने, ऐसे थर्ड में से सेकंड को करो एक बार, सेकंड में से थर्ड को करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 145 में से करते हैं कितना बेटा 182.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है 182.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर थर्ड में से सेकंड को करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, और फिफ्थ में से फोर्थ को करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो लास्ट वाली तो आएगी 29.5 किलो जूल पर मोल, और बेटा ये कितनी हो जाएगी 82 में से इसको माइनस करो 63.8 धीरे-धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि जब हम सेकंड शेल में से फर्स्ट शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 984 वैल्यू है, ठीक है। थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द वैल्यू 182.2 किलो जूल पर मोल, है ना। सिमिलरली When you will look, बेटा देखोगे थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ में से थर्ड को किया तो 63.8, और बिल्कुल लास्ट में यानी फिफ्थ शेल में से फोर्थ शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो वी आर गेटिंग 29.5 वैल्यू। तो देख रहे हो वैल्यू कितनी कम हो गई, 984 से बेटा लेकर आते आते कितनी हो गई सिर्फ 29.5। तो अक्षय इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का डिफरेंस बेटा, एनर्जी का जो गैप है धीरे धीरे आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे समझ के चले कि एनर्जी का डिफरेंस एक तो बराबर नहीं है बेटा, जैसे किसी एक शेल की एनर्जी में से अगर आप दूसरे शेल की एनर्जी निकालते हो तो आपको क्या दिख रहा है बेटा कि एनर्जी डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है, सब में बराबर नहीं है एनर्जी गैप, बल्कि एनर्जी गैप धीरे 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 क्या हो रहा है बेटा, पास आता जा रहा है, एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूं एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। जैसे ही आप फर्स्ट शेल से और फाइनल शेल की तरफ जाते हो, चाहे फोर्थ शेल फिफ्थ शेल किसी भी शेल की तरफ जाते हो, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, या एनर्जी गैप भी बोलते हैं इसको, तो एनर्जी गैप बेटा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी गैप के बारे में कह सकते हैं एनर्जी गैप इज रिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट शेल टू फाइनल शेल, धीरे धीरे बेटा एनर्जी गैप क्या हो रहा है,
इज बिकमिंग लेस, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू के शेल टू एम शेल और एन शेल, जैसे जैसे बेटा शेल की संख्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनर्जी का उनके बीच में डिफरेंस अगर देखें, द डिफरेंस बिटवीन द कंजुक्यूटिव और सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, सक्सेसिव का मतलब बेटा क्या है, लगातार अगर हम देखें कंटिन्यूअस में देखेंगे तो आपको एनर्जी गैप कम दिख रहा है। तो एक्चुअल में बेटा ऐसे समझ के चलो जो बिल्कुल बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयुष, तो इसका मतलब होगा कि बिल्कुल बाहर के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो अगर एम और ओ शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी एनर्जी के बिटवीन बेटा डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है। समझ गए मेरी बात? अगर हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को देखें बेटा तो बहुत ही कम डिफरेंस है इनका, ठीक है, जबकि के शेल और एन शेल का जो एनर्जी का गैप है वो काफी बड़ा है, ठीक है। ये चीज आपको जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो एक और चीज समझ में आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में आसानी से एक दूसरे शेल में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, बजाय कि के शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। चलो वो अभी आप समझ नहीं पाओगे। गोज ऑन डिक्रीजिंग, धीरे धीरे बेटा डिक्रीज हो रही है एज वी मूव टू आउटवर्ड्स, जैसे जैसे बेटा हम शेल से बाहर एटम से बाहर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे अपने को क्या दिख रहा है कि एनर्जी गैप कम हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, ठीक है दिशा। ये बेटा एनर्जी के ऊपर था, ये आपको बताया था बोर ने एनर्जी के बारे में, किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी पहले तो ये बताया, और फिर बेटा गैप के बारे में भी बताया कि एनर्जी के बीच में गैप कितना होगा। ठीक है बेटा, चलो तो इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। देखो एक तो बेटा बोर ने एनर्जी बताया, एनर्जी के बारे में बताया कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है। अच्छा, इसके अलावा बेटा और भी चीजें उन्होंने बताई, खाली ये नहीं कि एनर्जी के बारे में बताया, उन्होंने क्या क्या चीजें और बताई देख लो। एक तो बेटा जो ये शेल है, जो भी ये शेल है, इस शेल का बेटा कुछ ना कुछ रेडियस की वैल्यू होगी, होगी या नहीं, तो हमें अगर पूछा जाए, हाँ तो अगर अपने को निकालना बेटा रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ स्टेशनरी सेल। अच्छा एक चीज मैंने कल भी आई थी बताई थी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि देखो कुछ टर्म्स है बेटा उनका एक ही मतलब है, सुनिए, जैसे अगर मैं कहूँ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट किसको बोलते हैं, एनर्जी लेवल किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी स्टेट, ये भी एक वर्ड यूज होता है। ये सब कुछ बेटा एक ही है, ये सब कुछ एक ही चीज है, आप उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, शेल भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो बेटा, एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो। एक्चुअल में बेटा ये सब चीजें एक ही है जो आपने पढ़ी है, के एल एम एल शेल। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्बिट अलग चीज तो नहीं होती है, शेल कोई अलग चीज तो नहीं है बेटा, एक ही चीज है। मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है यहाँ पर, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब बेटा अगर हमें रेडियस निकालना है, अगर हमें निकालना है रेडियस ऑफ ए शेल, एक शेल का रेडियस निकालना है बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जैसे अगर मान लो के शेल का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एल का कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ये बेटा ये फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर एन इज द, आर एन क्या चीज होगी बेटा, आर एन क्या है बताएं, इट इज द रेडियस ऑफ, एन का मतलब क्या है, एनएस शेल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, तो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एनएच शेल, है ना बेटा, अगर के शेल है तो 1 हो जाएगी आपकी वैल्यू, आर एन 1 आर 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ए नॉट बेटा क्या है, यहाँ पर
ए नॉट एक कांस्टेंट है और इसका मतलब है हमने पहले देखो जो पहला शेल है यानी के शेल है नॉट के बराबर रखी है, मतलब ए नॉट का मतलब आप समझ लो ए नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू है एंड इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट। इसके रेडियस को बेटा हमने पहले ही इसके फॉर्मूले में पुट कर दिया ए नॉट और ए नॉट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। इतनी वैल्यू में देखो बेटा ध्यान से 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो ए नॉट का मतलब बेटा क्या हुआ, ये जो के शेल आपको दिख रहा है के शेल का रेडियस कितना होगा 52.9 पिकोमीटर होता है। तो के का तो आप निकाल सकते हो बेटा डायरेक्टली, है ना, ए नॉट की वैल्यू। अगर हमें किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है जैसे के शेल की एल किसी भी शेल की निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं एन की वैल्यू। जैसे देखो अगर मुझे फर्स्ट शेल की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 52.9 पिकोमीटर, इसमें 52.9 पुट करेंगे और एन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी है बेटा वन होगी वन। तो फर्स्ट शेल का रेडियस तो यही आ जाएगा ना इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बोलो फर्स्ट शेल का रेडियस कितना आ जाएगा 52.9 पिकोमीटर। इसी तरीके से बेटा आप बाकी शेल की भी निकाल सकते हो रेडियस इस फॉर्मूले से, बोलो सिंपल है ये कैलकुलेट करके देखें। यस सर, यस सर। अगर यहां पर बस आपको एन की वैल्यू पुट करनी है, अगर आप एन की वैल्यू पुट करोगे वन तो बेटा आपको रेडियस मिल जाएगा फर्स्ट शेल का, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा, इसी वैल्यू के बराबर आ जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू पुट करेंगे फॉर्मूले में 52.9 इंटू वन स्क्वायर 52.9 पिकोमीटर, है ना बेटा। इसी तरीके से सेकंड शेल का भी मिल जाएगा आपको, किसी भी शेल का निकाल सकते हो रेडियस ऑफ सेकंड शेल। तो सेकंड शेल का कैसे निकलेगा 52.9 ए नॉट की वैल्यू बेटा 52.9 एन स्क्वायर टू का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 52.9 को 4 से करते हैं 211.6 है ना। तो बेटा ये आपका रेडियस आ गया सेकंड शेल का। इसी तरीके से बेटा आप देख लोगे तो निकाल सकते हैं किसी भी शेल के रेडियस की वैल्यू को निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा बेटा ये मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जो फॉर्मूला है बेटा जैसे एनर्जी के केस में भी मैंने आपको बताया था, ये बोर ने जो भी चीज बताई थी वो हाइड्रोजन एटम को लेकर बताई थी, ठीक है दिशा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा हम निकाल रहे हैं ये, यानी जो रेडियस हम निकाल रहे हैं शेल के लिए वो किसके लिए सिर्फ अप्लाई है बेटा सुनील, हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो अगर मान लो अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और एलिमेंट का रेडियस अगर निकालना है उसके एटम का, किसी और एलिमेंट के किसी शेल का रेडियस अगर अपने को निकालना है तो वी विल यूज ए डिफरेंट फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें क्या होगा देखो फॉर्मूला आपका बन जाएगा आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये देखो बेटा ये तो खाली हाइड्रोजन के लिए है, रेडियस ऑफ शेल फॉर हाइड्रोजन एटम, समझे मेरी बात। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है, ठीक है, जैसे अगर हीलियम का निकालना है, बोरोन का निकालना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहां पर एक टर्म नया आया है जेड, और जेड क्या होता है, जेड आपने याद है पढ़ा है जेड हाँ निकिता वेरी गुड। एटॉमिक नंबर को बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड बेटा यहां पर और कुछ नहीं, इट इज एटॉमिक नंबर, है ना।
तो जिस भी एटम की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे अगर हीलियम की बात कर रहे हो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जेड पुट कर दोगे बस सिंपल, उतने से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो हीलियम के लिए 2 है, इसी तरीके से लिथियम के लिए 3, इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो जेड की वैल्यू बेटा, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसका भी आपको रेडियस निकालना है। तो बेटा इस फॉर्मूले से आप एक्चुअल में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी शेल का आपको रेडियस पूछेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि ये एलिमेंट है, ठीक है, कैल्शियम एलिमेंट का पूछ लेगा जैसे फॉर एग्जांपल। तो कैल्शियम एलिमेंट की अगर आप एल शेल का रेडियस निकालो और एल शेल की एनर्जी निकालो, तो कैसे निकालेंगे बेटा रेडियस, इस फॉर्मूले का यूज करके। जेड हो जाएगा बेटा कैल्शियम के लिए 20 हो जाएगा, एन स्क्वायर की वैल्यू उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो जनरली वैसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्चुअल में बेटा क्या था, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बेटा स्टडी करी थी। तो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा था और इनकी ज्यादातर जो भी प्रॉपर्टी होगी ना सुनील, वो सब बेटा छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए होंगी, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिसका साइज बहुत कम हो। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बस 3-4 एलिमेंट है जहां पर इनका ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है, बाकी सब जगह अप्लाई नहीं होंगे। तो यही तो बोर की भी कमी थी, अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, रेडियस निकालने के लिए आएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो बेटा रेडियस का फॉर्मूला आपको बताया। इसी तरीके से बेटा बोर ने ये भी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मूव करता है तो बेटा उसकी कोई ना कोई स्पीड तो जरूर होगी, वेलोसिटी होगी, बताइए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मूव करता है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी बेटा बताइए, यानी किसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो भी उन्होंने बेटा बोर ने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेटा फॉर्मूला देखो नोट्स में क्या दिया हुआ है, बताओ देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, Vn इज इक्वल टू V नॉट n अपॉन z, यही है ना, z अपॉन n, z अपॉन n। अब यहां पर बेटा ये जो फॉर्मूला है ये आप देख ही रहे हो, यहां पर z आ गया, तो ये आप किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेटा क्या है, Vn इज द वेलोसिटी है, ठीक है, इन एनएस शेल, जो भी आपका शेल होगा इन एनएस शेल, ठीक है, एनएस शेल के अंदर और किसी भी एलिमेंट के लिए, ऑफ एनी एलिमेंट। तो जैसे मान लो अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए बेटा निकालना है मेरे, तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा यहां पर एक चीज और, एन का नंबर, तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है बेटा। जेड का मतलब हो गया, जेड तो हमने देखा ही था हमने, एटॉमिक नंबर है। और वी नॉट बेटा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे आपने रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का माना था एक कांस्टेंट 52.9 पिकोमीटर, उसी तरीके से बेटा एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल के अंदर यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव करता है, उसकी वेलोसिटी को बेटा इन्होंने मान लिया था, एक कांस्टेंट मान लिया था 2.188, इसकी वैल्यू है 2.188 × 10 की पावर। लाइट की स्पीड कितनी होती है, बिल्कुल वैसी है ये, वी नॉट इज इक्वल टू 2.188 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सोचो कितनी स्पीड से निकिता मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो आप बेटा, लगभग लाइट की स्पीड है, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना दिशा। तो इसकी स्पीड बेटा थोड़ी सी कम है, बहुत कम नहीं है, ठीक है, 2.188 लगभग 2.2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सोचो कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे देखने में तो लगता भी नहीं है दीपक के किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज स्पीड से मूव करता होगा, इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये फिजिक्स, ठीक है बेटा। कुछ पूछ रहे हैं,
बनवानी क्या? चलो बेटा, तो बात कर रहे थे वेलोसिटी की, तो इस V नॉट का बेटा यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेल की एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मान लो मुझे सेकंड शेल की निकालनी है बेटा, तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूले में मैं क्या पुट करूंगा, V नॉट, N की वैल्यू कितनी, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं बेटा तो कितनी हो जाएगी, 1, है ना, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा Z की वैल्यू, N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल, अगर आप N सेकंड शेल के लिए निकाल रहे हो L शेल के लिए तो कितनी वेलोसिटी होगी बेटा, 1/2, तो V नॉट अपॉन 2, और V नॉट की वैल्यू कितनी है, 2.18 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी दीपक, 2.18 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.09 हो जाएगा, 1.094 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग बेटा इतनी स्पीड आएगी। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी शेल की एनर्जी को निकाल सकते हो, सॉरी एनर्जी को नहीं वेलोसिटी को निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले आपने आज पढ़े, एनर्जी के लिए देखा, एनर्जी गैप देखा, ठीक है, फिर रेडियस बेटा हमने निकालना सीखा, किसी भी एलिमेंट का, अगर अपने को किसी भी शेल का रेडियस निकालना है, किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी शेल का रेडियस निकालना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसको हम बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, आर एम इक्वल टू ई नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, और फिर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, वी एम इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन। थोड़ा सा बेटा इन फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एन स्क्वायर कहां पर आ रहा है, कहां पर एन आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि रेडियस के अंदर तो बेटा स्क्वायर रहता है, ठीक है, ई नॉट एन स्क्वायर रहता है, ठीक है, और एनर्जी के अंदर भी एन स्क्वायर रहता है, लेकिन जब वेलोसिटी निकालते हैं तो बेटा वेलोसिटी के फॉर्मूले में बेटा क्या रहता है, वी नॉट जेड अपॉन एन, ठीक है, तो वेलोसिटी में खाली एन का यूज होगा, ये चीज देख लो, ठीक है, इतना बेटा समझ में आया। तो बेटा यहां तक आज मैंने आपको, हाँ यहां तक आपको आज कराया है, ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज करना, थोड़े से बेटा पॉइंट्स इसके अंदर रह गए हैं, कल डिस्कस करेंगे, तो एक तो ये देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एनर्जी बेटा कैसे ट्रांसफर होता है, अभी तो आपने आज सिर्फ क्या पढ़ा है कि हर एक शेल की एनर्जी डेफिनेट होती है, कल हम बेटा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम या ज्यादा कैसे हो सकती है, ठीक है, तो रेडिएट कब करता है, कब एब्जॉर्ब करता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है, ये सब कल पढ़ेंगे, ठीक है, डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है, और फिर सीरीज है इसके बाद। चलो तो बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, नोट्स कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है, मंडे तक कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, जिससे बेटा मंडे तक ये आपके सेकंड पार्ट के नोट्स कंप्लीट करा दूंगा मैं रिवाइज, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया, बस दो क्लासेस में हो जाएगा, कल परसों की क्लास में आपका ये सेकंड पार्ट के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो बेटा एक बार रिवाइज जरूर करना आज जो पढ़ाया है, ओके, बाय एंड टेक केयर।